नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और पंचम विधानसभा का 9वां मानसून सत्र 29 तारीख से आहूत होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के आज विधानसभा में कई वरीय अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की है। आइए सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सत्र का आयोजन हो रहा है, सत्र आहूत की गई है और सत्र आहूत होने के पूर्व कुछ आवश्यक बैठकें हम लोगों को करना पड़ता है। यथा आप तमाम पत्रकार जगत के जो मान्य सदस्य हैं उनके साथ, फिर राज्य के मुख्य सचिव सह तमाम सेक्रेटरी से, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करना पड़ता है और आज हम लोग उसी बैठक में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी हम लोगों का पदाधिकारी के साथ बैठक हो चुका और पदाधिकारी के बैठक में विधानसभा जो आहूत की गई है इसके परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यक तैयारियाँ हैं, उस आवश्यक तैयारियों के बारे में हम लोगों ने उन लोगों से बात किया और जहाँ पर कमी बेसी हो रहा है उस पर भी दिशा निर्देश दिया कि ये सत्र भले ही छोटे सत्र के रूप में है लेकिन जो भी कार्य दिवस इस पर हैं, इस कार्य दिवस को अगर माननीय सदस्य राजहित में, अपने विधानसभा के हित में और जनता के हित में अगर इसको प्रभावी बनाना चाहते हैं, अगर सफल बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने सारा तैयारी पूरा कर लिया और उम्मीद करते हैं कि ये सत्र, ये पंचम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र एक सार्थक सत्र के रूप में सामने आएगा, जनहित और जनआकांक्षा के अनुरूप काम करेगा। जी जी जी, आप बिल्कुल सही बात बोले। इस बार तमाम पदाधिकारी को इस बात का हिदायत दे दिया हम लोगों ने, जैसा न हो कि कोई माननीय सदस्य को उठ करके ये कहना पड़े कि पदाधिकारी दीर्घा में कोई पदाधिकारी है नहीं। इसलिए सारा पदाधिकारियों का उपस्थिति सुनिश्चित करने का जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं हम लोग चीफ सेक्रेटरी महोदय को दे दिए, उन्होंने अपने सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेज देंगे। सर, आपने कहा अधिकारियों को कि ट्रांसलेशन को बहुत ध्यान से नहीं, एक सामने एक विषय आप लोगों ने भी, आप अखबार में इस विषय आप लोगों के पास भी आया है, आप लोगों को भी छपने का मौका मिला है कि पिछले दो विधेयक को राजभवन से लौटा दिया गया और लौटा देने के जो कारण था उसमें सिर्फ यही था कि हिंदी से हम लोग हिंदी का प्रारूप को विधानसभा में पास करते हैं और उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ट्रांसलेट करके राजभवन को सुपुर्द करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तो उसी के क्रम में हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेट में कुछ सेंस की या कुछ शब्दों की या कुछ आपका नंबर की हमको लगता है कहीं मिसमैनेज हो गया होगा, इसके लिए राजभवन से वो बिल वापस आ गया, पुनः उस बिल सदन में आएगा, फिर उसको पास करना पड़ेगा और इसमें समय की काफ़ी खपत हुआ, समय जाया हुआ, इसीलिए इन लोगों को हमारे तरफ से एक निर्देश गया कि भाई जो भी बिल को आप लोग सदन के अंदर में लाएंगे उसको बढ़िया से देख उख करके लाएंगे, चाहे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, इसका माने कुछ दूसरा नहीं निकले, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। कोविड के लेकर कभी बूस्टर डोज का हम लोगों ने यह प्रारंभ किया है पिछले दिनों से और सत्र अवधि में कोविड का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए हम लोग सत्र का काम करेंगे। मास्क का भी प्रतिबंध रहेगा। मास्क को आजकल अपने सारे लोग अपना जीवन में स्वतस्फूर्त रूप से मास्क लेके ही चलते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष बोलने की जरूरत नहीं है, सारे लोग अपना सावधानी बरत करके ही।
अभी उस विषय पर हम लोग नहीं हैं। अगर कोई टेस्ट करा लिए हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है, जो नहीं कराया है उनके लिए हम लोग जरूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, कई सारे जो विधेयक है उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों दो विधेयक जो है वो राजभवन से वापस कर दिए गए थे, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश के जो विश्लेषण थे उसमें अंतर आ रहा था, जिसको लेकर के यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए। और साथ ही साथ कई जो अधिकारी जो हैं वो जब सत्र अंदर चल रहा होता है उस वक्त मौजूद नहीं रहते, उसको भी लेकर के यहाँ पर रविंद्रनाथ महतो ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार।